नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिया के दुनिया यूट्यूब चैनल में। और बहुत टाइम हो गया कोई ब्लॉग नहीं डाला, और अभी भी हमारा ऐसा कुछ ब्लॉग का प्रोग्राम। और हम आज से कुछ इंटरेस्टिंग करना चाह रहे हैं अपने लाइफ हाँ, में। पूरी बात बोलने नहीं दी, ठीक है आ गई। इंटरेस्टिंग करना चाह रहे। चेहरा देखो उनका दमकता हुआ चेहरा, फिल्टर तुमने लगा हुआ कुछ क्या फिल्टर इसमें? लगा लगाएगा? मेरे को भी ऐसा लग रहा है, मेरा भी दमकता हुआ चेहरा दिख रहा है। चलो गाइस, आज का जो मेन मुद्दा है जो हमारा ब्लॉग बनाने का, वो हमारा एक्चुअली ब्लॉग नहीं है, वो एक चैलेंज है। क्योंकि पिछले तकरीबन 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज नहीं, करेंगे। 6 महीने अच्छा से तो मैं नहीं कर रही नहीं, हूँ। तुम नहीं कर रही ना, मैं कर रहा हूँ ना, हाँ मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रही। ये कितने महीने से कर रही? 2 महीने से। हाँ चेरी के 2 महीने, हाँ, नहीं दो 1.5 महीने बाद से, डेढ़ महीने बाद से। चैरी के नहीं, दर्श के, दर्द के, दर्द दर्श के, के उनके 1.5 महीने बाद लेकिन से वो रूटीन में नहीं हो पा रहा है। रूटीन में नहीं हो पा रहा है। तो इसने मेरे को बोला आज सुबह सुबह, दरअसल मेरा समोसा खाने का मन कर रहा था, गरम गरम बने थे, मैं समोसा ले आया। तो उसने मेरे को बोला तुम कभी पतले नहीं हो सकते। तो उसने मेरे को चैलेंज किया है कि अगर तुम्हारे बस ही है तो 6 महीने में अपना 10 किलो वजन कम करके देखो। और हम और अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट करेंगे आपके साथ, आपके साथ हम पूरी साथ बात तो हम बताने दो सब यार। कुछ शेयर करेंगे। बोल रहे तो इनको, इनको बोल रहे तो इनको, ये बस बोलते रहते हैं। ये पता है सिर्फ बोलते हैं और ये करते कुछ नहीं है। अब देखेंगे हम के विराट अब की बार वेट लूज करेंगे या नहीं करेंगे। मैं वेट लूज करूंगा अब तो, चले अब मैं इतनी वीडियो डाल रहा मैं हूं। इतनी ग्लो क्यों कर रही हूँ? देखो ना वहां ये बीच में बोलती तुम रहती है। दोबारा बनाओ, देखो मैं कितनी चारी लग रही हूँ, तुम दोबारा बनाओ। ध्यान मत लाओ मेरा। अरे मैं थोड़ी सी हूँ लेकिन इसमें मैं कुछ ज्यादा ही लग रही हूँ, या मैं कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही हूँ। वीडियो नहीं डालो, नजर लग जाएगी तुम्हें। हाँ तो गाइस, इसने मेरे को चैलेंज किया, मैंने इसको चैलेंज किया है। अभी हमारा वेट कितना है हम चेक करेंगे। अभी वेट क्या है, आज डेट क्या है, आज आज 18 तारीख, डेट 18, आज 18 तारीख, और पता क्या, महीना कौन सा है, महीना मार्च। मार्च, 18 मार्च है। और आज हम वेट करके हाँ देखेंगे अपना कि हमारा कितना वेट है, और हर एक महीने बाद हम वेट चेक करेंगे। वैसे तो हम हर 2 महीने बाद चेक कर लेते हैं, लेकिन हम जो बताएंगे आपको अब वेट देखते हम, हैं जो हमारे पीछे जो वो तुम्हें तीसरा दिख रहा है ना, उसके जैसा कौन होता है, मैं या मैं उसके जैसा विराट? ऑलरेडी हूं, और मेरे को कोई शर्म नहीं है। कोई बात नहीं, है तो है, शादी लेकिन हो गई है, पेट नहीं निकलेगा तो क्या कोई फायदा, क्या पता क्या चलेगा कि पति खुश है। खुश बहुत है मेरे साथ। नहीं, इतना खुश भी नहीं होना ना कि गैस बन रहे। हाँ तो गैस, अभी हम चेक करते अपना वेट। तुम जाया आप की मत करो, यार ये क्या, क्या वीडियो बना दो ना तो बंद हो रही है। फिर, मैं अपने आप को देख के ऐसे देखो कितना ग्लो कर रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा इसको अपने आप पे। फिल्टर लगा हुआ है मेरे ख्याल से। बिना फिल्टर के बनाने दी ना, बिना फिल्टर के भी अच्छे तो कहता लगते हूँ हैं। अभी वेट चेक करेंगे अपना, देखेंगे हमारा वेट कितना है, उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होगी वेट लॉस की। और मैं वेट लॉस करूंगा डाइटिंग करके और एक्सरसाइज करके। तुम कैसे करोगे? मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ, मैं डाइटिंग नहीं कर डाइटिंग सकती नहीं कर सकती है क्योंकि अभी, अभी मैं, अभी दर्द छोटा है। अभी वो कितने महीने का है, 3 महीने? 3.5। हाँ 3 महीने कुछ दिन का है अभी वो, तो अभी तो मैं ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। बाकी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं पूरा रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि कभी मैं, दर्द और शुरू मेरी कर जब जाता डाइटिंग है। शुरू होती है ना, इसका रोज 1 किलो का मिठाई का डब्बा आना शुरू हो जाता है। वैसे तो मैंने बहुत मैं कंट्रोल डाइटिंग करता वैसे नहीं कर हूँ सकती, ना। लेकिन मैं एक चीज बताऊँ आपको, देखो मैं चेरी के टाइम पे ना मेरे सब कुछ गायब हो गया था, लेकिन अभी मेरा दर्द के टाइम पे डिम्पल दिखाई दे रहा है। चेरी के टाइम पे मैं कद्दू हो गई थी, मेरा फेस ऐसा हो गया था, सब कुछ बड़ा बड़ा। तो अब चलते हैं, वेट चेक करते हैं दोनों कितना कितना है, उसके बाद फिर हम आपको अपडेट लेकिन करते मैं इतना रहेंगे। ग्लो क्यों कर रही हूँ? देखो ना, मेरे को लग तुम ना आज रहा बाहर निकलना, 1 घंटा घूम के आना। अगर तुम्हें 5 लोग बोल देंगे तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा है, तो मतलब तुम सच में ग्लो कर रही हो। ठीक ग्लो रही, मतलब तुम्हारे फोन से कर रही है। है तब, चलो वेट चेक करो अपना। तो गाइस, कोई बेईमानी नहीं है, 0 पे सेट कर रखा है मैंने अपना ये मैं वेटिंग हूँ, स्केल। ये मेरा वेटिंग स्केल है और यहाँ वेट हो रहा है। इतना आराम से सीधे खड़े हो, सीधे, ये वेट है इसका। गंदे पैसे दिखा ये क्या बात है, मेरे, कितने गंदे आ रहे, देख रहे नाखून तो कितने दो काले ही हो नहीं है रखे। ना। नहीं, क्या हुआ ये नहीं, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं नहीं करूंगी। गैस, मैंने भी वेट चेक किया था इसका, 91 दिखा रहा था। देखो इन्होंने कितना आगे करा।
हुआ है देखा, और अब वो हो जाता है, वो मैंने रिसेट देखा होता है, रिसेट होता है वो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग के हिसाब से होता है। ये देखो अभी भी मेरे को इधर लग रहा है। मैं खाली, चलो ये दिखा रहा हूँ, खड़े हो। ओह माय गॉड, ये 71 से 72 के बीच में था और फट से उतर गई है, कहीं ऊपर ना हो ये मेरा जाए। जल्दी से लूज हो गया, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम का याद है कि प्रेगनेंसी टाइम में वजन ना इतनी जल्दी कम नहीं होता, पतले हो जाते हैं लेकिन वजन कम नहीं होता है। लो कैमरा पकड़ो, मेरा बताना। अभी साथ में का मैं देखते हैं। जैकेट उतार देता हूँ ना, अच्छा ये देखो, जैकेट का भी तो होगा। इसमें दो को मेरे ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं। मेरे जेब में भी रखा था 1 किलो का सामान। हाँ, 1 किलो सामान लेके घूमती हूँ, देखना। रुको, ऐसे कैसे देखना। सो गाइस ये है, देखो सही से करो इसे, जीरो अब दिख रहा है, चलो जीरो। ये है वेटिंग स्केल और ये है इनके गंदे पाव और यहाँ वेट हो रहा है। चलो कम हो गए तुम, कितना हो गया? 105। 105 है। कैसे हो गए तुम कम? ये तुमने कहो घुमा दिया क्या? मैंने कहा 7 था और फिर बात कर रहे थे, मेरा 105 हो गया। जी नहीं, 107 ही है। नहीं, सुबह के टाइम थोड़ा कम दिखाता है, 1 किलो कम दिखाता है सुबह के टाइम, 1 किलो कम है। सुबह ध्यान से देखिए इस मुखड़े को। गाइस अभी ये है जो है ना, ये इस ढोलक को कम करना है, मेन फोकस इस पे। वैसे मेरा वेट कम करने पे इतना होता है, दो लोग कम करने पर, लेकिन अब मैं वेट कम करूंगा, मैं इसी स्केल पे दिखाऊंगा, इसी स्केल पे। और ये हम दोनों, ये है हम दोनों। यार पता है हम शुरू से एक जैसे हैं, अगर मैं जब पतली थी तो ये भी पतले थे। ये क्या है? जब मैं पतली थी तो विराट भी पतले थे, फिर जब मैं थोड़ी सी मोटी हुई तो विराट भी मोटे हो गए, और जब मैं चेरी के टाइम पे बहुत मोटे हो गए तो फिर विराट बहुत मोटे हो गए, और अभी मैं थोड़ा पतली हूँ तो विराट फिर भी पतले नहीं है। मेरा 110 हो गया था वजन, मैंने मैंने कम कराया, किया, मैंने मैंने कराया है। मैंने मैंने मेहनत करके कम किया है, मेरी शक्ल नहीं दिख रही उसमें। कौन सी मेहनत की आपने? मैंने मेहनत करी, मैं दौड़ भाग करी, टाइम चल नहीं मैंने। ओह माय गॉड, टाइम चल लेके ना ज्यादा खाते हैं। टाइम हाँ चल, यार, मेरा बड़ी दिक्कत है, मैं टाइम चल लेता हूँ, मैं ज्यादा खाने लगता हूँ। मुझे बोलते शादी से पहले, अरे टाइम चल मैंने लेते ना, खुद खाते ना, मुझे खिलाती है। मुझे बोलते थे शादी से पहले मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, और व्रत मेरे को लगता नहीं मैंने उस कभी दिन मैंने। अमृतसरी नान खाए थे ठेले वाले। और कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं, आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। गाइस अभी चैलेंज एक्सेप्ट किया ये काम दोनों ने, मैं नहाने गया और मैडम जी के दर गए। मैं डेली करती हूँ भाई साहब, ऐसे जीत जाएगी तो। मैं करती रहती हूँ, काले कपड़े पतली भी लग रही है तो बहुत ज्यादा। गाइस है नहीं है ये, देखो मैं हूं ना ऐसे, ये भी है जाना मत, काले कपड़े कमाल है इसका। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, पहले मैं चाय बना लेता हूँ। गाइस बहुत दिनों को चाय पी हुई, मैं बहुत टाइम डाउन हो गया था मेरे को चाय पीने में, आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आज पीऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा, ठीक है? हंसो मत, हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। तो गाइस चाय बनाते हैं आज। सो गाइस ये हो रही है, देखिए डाइटिंग, 6 महीने बाद मेरा वेट कम मिलेगा, देखना। देखना इसमें इसमें चीनी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में चीनी नहीं है, इसमें जागरी है। इन्होंने एक समोसा ठूस लिया है अर्ली मॉर्निंग, और अभी फैन खा रहे हैं, कह रहे मैं क्या खा रोटी रहे नहीं हैं? खाऊ, फैन 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 खा रहे हैं, और ये कह रहे मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अब गाइस ये फैन लाने वाली भी मेरी बीवी थी, अब ये तो खाएगी नहीं तो मैं भी खाऊं तो खराब हो जाएंगे ना। ओह माय गॉड, आज आज मैं सब खत्म कर दूंगा जो भी मोटा बढ़ाने वाली। ओह माय गॉड, गाइस ये देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो? मैं थोड़ी सी खाऊं, मैदा इन्हें बोला सुबह का, थोड़ा हैवी कर सकते हैं, इतना हैवी भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा क्या, अच्छा तुम चैलेंज जीतोगे फिर तो? मुझसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चैलेंज जीतूंगा, मैं चैलेंज जीतूंगा, लेकिन ये चीजें खाने की हेल्दी भी नहीं होती है। मेरे बेटे ने बनाया था, तुम इसे फेंक रहे हो, नहीं फेंक रहे हो? ओ यहाँ पैसों के आते हैं, उसमें देखो तो पैसे के आते, तो बनाए क्यों है? इसमें देखो न्यूट्री भी है, बनाए क्यों है? न्यूट्री है, मैं खाने मन कर रहा हूँ। तो एक काम करो, और अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ और खाने का मन भी कर रहा था, उसका भी बता दो। मैं कुछ खाने मन नहीं कर रहा था, कर रहा था आलू पूरी, बोलो बोलो। मन तो अनंत है, लंच में तो जापान पहुंच जाओ, लंच में, लंच में आलू पूरी, बोल क्या तुम जाओ, बताती हूँ बताती हूँ तुम्हें, तुम ना वो मत क्या करो, उल्टी सारी चीजें मत खाया करो, उल्टी चीजें। और भाई अच्छी है ना ये, तो इसमें तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत कुछ हेल्दी है। न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे, न्यूट्रिएंट्स
मैं हाथ उठ जाएगा ना, हाथ उठ जाएगा मेरा, उठ जाएगा ना तो उठ जाएगा। नहीं नहीं मजाक कर रहा, यहाँ से जाओगे बात बात करोगे, वहाँ पहुँच जाओगे पिज्जा खाने के लिए और बर्गर खाने के लिए। तुमने सच बताओ ना? अच्छा मैं जाऊँ, मैं आऊँ आपकी शॉप, वहाँ पे शॉप पे वहाँ पे जब वहाँ मेरे को सब बोलते हैं दीदी आ तो दीदी पिज्जा खा रहे थे वहाँ पे, आज आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, बोला रखा मेरे पे जासूस। बहुत सारे लोग मेरे को यही बोलते दीदी दीदी जी बर्गर खा रहे थे, दीदी जी पिज्जा खा रहे थे। वो जानते खाते पिज्जा बर्गर नहीं खा रहा सबको लगता है कि विराट अच्छा है, कितने अपनी बीवी का कहना मानते हैं, मैं कहना मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानते, मैं बोलती हूँ ये चीज़ें मत खाओ मत खाओ मत खाओ, यही खानी है। लोगों बदल गए, तुम पीटते हो मेरे पास क्या बच लगा, लोग सबसे बीवी पीटती होंगी, लो मेरे घरों की ज़्यादा पीटती होंगी। क्या याद में पता हो सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। पाँच लोग नहीं, मैगी खाने के बाद मैगी की प्लेट चाटते, ऐसा तो छोटे बच्चे भी नहीं चाटते जैसे तुम चाटते हो। जी देखो प्लेट धोने की जरूरत नहीं है, काम से बचना चाहिए। वेलकम बैक गाइस, एंड ऑफ द डे, देव मैडम बैठी हुई है, साहब जी भी यहाँ पर साहब जी करवा रहे जिम, और इधर ये साहब जी सो रहे हैं। आधी जिम तो इन्हीं के साथ हो जाती है हमारी। और गाइस फिर से ठंडक हो गई, यहाँ पर थोड़ी बारिश हो गई थी आज, और दिन में हमने नॉर्मली खाना खाया आज तो, है ना? वैसा कुछ खाया तुमने डाइटिंग वाला? मैंने भी ऐसा कुछ डाइटिंग वाला खाया नहीं, ऐसे डाइटिंग वाला नहीं खाया आपने, डाइट बढ़ाने वाला खाया है। क्या खाया मैंने घर का? आपने खाया एक समोसा और फैन, तो डाइट बढ़ाने थोड़ी होगा, तो ज्यादा कार्ब्स वाला होगा आपने। हाँ साहब जी सो रहे हैं, अब देखो ये साहब जी सोएंगे, अभी टाइम हुआ है 9 बज गया ना, 8 साढ़े आठ बज रहे हैं और साहब जी सो रहे हैं। अब पता नहीं साहब जी उठेंगे एक दो घंटे में, और रात को 2 बजे तक चलेगा हमारा कीर्तन। तो गाइस अभी दिखाते हैं हम आपको, आज रात को हम डाइट वाला खाना खाएंगे, डाइटिंग वाला हल्का खाना खाएंगे, आपको देखेगा हम क्या खाते हैं आज। सो गाइस अब आप लोग ही पूर्वानुमान लगाइए कि हम दोनों में से कौन जल्दी पतला हो सकता है। जिसने सही अनुमान लगाया हम दोनों से कौन पतला होगा, उसको हम देंगे फ्री गिफ्ट, कुछ भी बढ़िया सा गिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए कि हम दोनों में से कौन पहले पतला होगा, और जिसने अच्छा सही प्रेडिक्ट किया हम दोनों से कौन पतला होगा। 6 महीने में पतला होने की बात नहीं है, पतली तो वही रहेगी, मैं मोटा रहूंगा थोड़ा सा। वेट किसका कम होगा? वेट ना कम नहीं होगा, इंचेस लूज होंगे। इंचेस? अबे पीछे बोलना जरूरी है क्या तुम्हें? तो गाइस तो आप लगाइए अंदाजा, फिर देखते हैं किसका सही रहता है, और हम फिर देंगे उसको गिफ्ट अच्छा सा। थैंक यू गाइस, अगर आपने चैनल को लाइक कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।